फ्रेंड जाइडस कैडिला में अभी बाजार खुलने से पहले पहले एक USFDA के अप्रूवल से रिलेटेड न्यूज़ आ रही है। और यहाँ पर खास बात यह है कि यह पहली कंपनी बन गई है जिसको जेनेरिक इस कैप्सूल का अप्रूवल मिला है। तो इस वजह से मुझे लगता है इस स्टॉक में थोड़ी बहुत पॉजिटिव हलचल देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा इस स्टॉक में जब कोविड वैक्सीन से रिलेटेड न्यूज़ आई थी तो काफ़ी रिटेल ट्रेडर्स ने इसमें इन्वेस्ट कर दिया था और अभी भी वो लोग इसमें बने हुए हैं। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, अब आज की न्यूज़ की बात करें तो आइब्रुटिनिब कैप्सूल नाम की जो 70 मिलीग्राम्स की कैप्सूल है उसको USFDA से फाइनल अप्रूवल मिला है। और जाइडस कैडिला पहली ऐसी कंपनी बन गई है जिसको जेनेरिक डोज बनाने के लिए अप्रूवल मिल गया है। तो फ्रेंड्स, 70 मिलीग्राम्स के मार्केट की साइज़ की बात करें तो 32 मिलियन USD है, तो यह काफ़ी अच्छा मार्केट भी मानना चाहिए। और इसके अलावा 140 mg का मार्केट साइज़ 745 USD है, 745 मिलियन USD। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा मार्केट साइज़ है ऐसा हम कह सकते हैं। और मुझे लगता है इस न्यूज़ का इस स्टॉक पर थोड़ा बहुत आज असर देखने को मिल भी सकता है।